हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई एम जतीश और आप देख रहे हैं क्लिकरू ब्लॉग्स। तो आज हम आ गए हैं शेरपा इको रिज़ॉर्ट। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, ये है शेरपा इको रिज़ॉर्ट। ये बेसिकली सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से एक ट्रैकिंग पॉइंट शुरू होता है गोरखा फोर्ट के लिए। तो आज हम सुबह गोरखा फोर्ट ट्रैक कम्प्लीट करके इवनिंग में अब यहाँ पर आ चुके हैं। लंच हमारा यहाँ पर प्लान था, लंच हमने कर लिया। तो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है रूम्स, और यहाँ पे रूम्स का जो भी टैरिफ है वो 3000 4000 डिपेंडिंग ऑन सीज़न इज़ दी बेस्ट प्राइस यू कैन गेट हियर। और एकोमोडेशन बहुत अच्छी प्यारी है। और प्रॉपर्टी में नीचे स्विमिंग पूल अभी है, वो हम आपको दिखाते हैं। टेरेस पे आपको ओपन आपको मिल जाएगा डाइनिंग एरिया। आइए आगे चलते हैं। एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ कर सकते हैं कुछ, बर्मा ब्रिज और जिप लाइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर सेपरेटली चार्ज। अगर आप सिर्फ लंच डिनर करने आते हैं तो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वो एक्टिविटीज़ भी आदि सारी आपको पर एक्टिविटी पेड चार्जेस पे मिल जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैम्बू ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, पीछे जिप लाइनिंग है। आई आस्क रोहित टू शो इन द कैमरा। ये पीछे जिप लाइनिंग है। जिप लाइनिंग का जो एंड पॉइंट है वो बेसिकली आपको टेरेस पे लेके जाएगा रूम्स के। तो आइए आगे चलते हैं, आपको बारबेक्यू एरिया और डाइनिंग एरिया दिखाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे रिजॉर्ट में ही नीचे एरिया है जहाँ पे पिकल्स बनते हैं, इनके अपने जैम्स बनती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो ये भी एक हॉल है छोटा सा रिसेप्शन टाइप। और यहाँ से व्यू देखिए बाहर, ये व्यू है रिजॉर्ट के, रिजॉर्ट से जो आप बाहर देख सकते हैं, अल्टीमेट व्यू। और ये नीचे पार्किंग एरिया है, जो आप देख रहे हैं कार, हमारी कार यहीं पार्क है। रिसेप्शन आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इसके ऊपर डाइनिंग एरिया। ऑलराइट, तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे अभी हमने लंच किया और मेरा मोबाइल यहीं चार्ज हो रहा है, मैं भूल गया था। ये मेरा बैग है कैमरे का। ऑलराइट सर, यहाँ से व्यू देखिए आप, ये देखिए अल्टीमेट व्यू है यहाँ से रिजॉर्ट से। और वी वर समवेयर ऑन टॉप ऑफ दैट हिल जहाँ से हम ट्रैक करके आए हैं। ये जो पीछे आप ग्रीन हिल देख रहे हैं, माउंटेन देख रहे हैं, इसके टॉप पे हम गोरखा फोर्ट ट्रैक कभी कंप्लीट करके आएंगे। हमारे अदर टीम मेंबर्स भी प्रॉपर्टी टूर ले रहे हैं, फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं टू ब्लेस देयर फीड्स। ऑलराइट, सो दिस इज़ आल्सो द डाइनिंग एरिया। ये देखिए यहाँ बफे लगता है एंड यू कैन हैव योर मील हियर। और सामने ये बॉनफायर का एरिया है, देख सकते हैं ये पीछे बॉनफायर एरिया एंड लाइव बारबेक्यू यहाँ मिल जाएगा आपको। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बर्मा ब्रिज, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये बर्मा ब्रिज के लिए है। एंड दीज आर दी वॉशरूम्स, ये वॉशरूम्स हैं सेपरेट। एंड यहीं पे इसी फ्लोर पे ही पीछे इनकी किचन है जहाँ पे पिकल्स और जैम बनते हैं। नीचे फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग अपने यहाँ पे इन हाउस फार्मिंग है, उन्हीं सब्जियों फ्रूट से जैम्स एंड पिकल बनते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल, अभी स्विमिंग पूल क्लीन नहीं है, बेसिकली वो पानी की पाइप उन्होंने लगाई है, क्लीनिंग हो रही है। नीचे स्विमिंग पूल है, मैं यहाँ से अगर आपको दिखा सका। आई गेस यहाँ से विजिबल नहीं है और नीचे चलते हैं। ऑलराइट, सो मैं अब आ गया हूँ पार्किंग में। अच्छी खासी पार्किंग है जिस हिसाब से बना हुआ है। और ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, अभी क्लीन हो रहा है, पाइप लगी हुई है, खाली कर रहे हैं इसको क्लीनिंग के लिए। दिस इज़ दी पूल एरिया एंड दिस इज़ दी फार्मिंग एरिया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आप वाइट शीट्स देख रहे हैं ये इन हाउस फार्मिंग है सारी। ओके, सामने आप देख सकते हैं स्विंग्स लगे हैं, कुछ बच्चों के लिए भी एक्टिविटी है, कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे एंजॉय। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बुक कराना चाहते हैं आप रिजॉर्ट में स्टे, तो नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट शेरपा इको रिजॉर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको मालूम है, शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए चैनल पे अगली और वीडियो के साथ और क्लिकरू ब्लॉग्स मत भूलिए। Thank you very much. Stay tuned for more videos.